इस वक्त मैं नेशनल हाईवे 73A पर खड़ा हूँ, जो सीधा पौंटा साहिब से जगाधरी की तरफ निकलता है। इसकी ताजा तस्वीरें साथ रोड की मैं दिखाना चाहूंगा कि कितने बड़े बड़े गड्ढे इस रोड पर बने हुए हैं। हालांकि हर बार इस रोड के यही हालात होते हैं, लेकिन बदलने के नाम नहीं लेते। इससे पहले भी यहां पर कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं, बावजूद इसके ना विभाग कोई एक्शन लेता है, ना ही नेता इसकी तरफ कोई ध्यान देता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वाहन किस तरह रेंग रेंग कर आगे गुजर रहे हैं, क्योंकि कई फीट गड्ढे यहाँ पर बन चुके हैं। किसी भी टाइम बड़ा हादसा हो सकता है, जो वाहन है उसमें कोई भी किसी भी वक्त खराबी हो सकती है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि करीब 100 मीटर लंबा ये रोड की जो टुकड़ी है, इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाहन जो है बड़े ही रेंग रेंग कर गुजर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इसको 4 लाइन करने का दावा भी किया गया है कि 4 लाइन इस रोड को बनाया जाएगा, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब एक रोड को ही सही तरीके से नहीं बनाया गया, इसका रखरखाव नहीं किया गया है, तो 4 लाइन को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना लंबा यह रोड है, यहाँ पर पानी है, लगातार यहाँ पर हादसे होते हैं, बावजूद इसके ना ही प्रशासन कोई ध्यान देता है और ना ही नेता, क्योंकि गृह मंत्री जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, उनका ये गृह जिला है, अक्सर इस रोड से निकल कर गुजरते हैं। बावजूद इसके इस रोड के हालत आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह के तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई है। कुछ वाहन चालक है, आइए उनसे ही बात कर लेते हैं कि किस तरह इनको यहाँ से गुजरना पड़ता है। ये जो रोड है, कितनी तरह की परेशानी आपको आती है यहाँ से गुजरते वक्त? सर यही है, जो खड्डे हैं, इतना पानी है, मतलब गिर भी सकता है, कोई चोट लग सकती है किसी को। ये तो लंबे वक्त से है, तो आप लगता नहीं है कि ये ठीक होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इससे सरकार की नाकामी दिखती है इसमें। और गृह मंत्री का ये गृह जिला भी है, तो उस पर क्या करना चाहोगे? अभी ज्यादा तो सर मुझे पता नहीं, बस बाकी नहीं पता। बहुत ज्यादा लापरवाही की बात, लापरवाही की बात, ऐसा होना नहीं चाहिए, इतनी लापरवाही। हादसों का डर बना रहता है? जी जी बिल्कुल, देखो ना ट्रैफिक के लिए कितना जाम, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है सबको। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वाहन आगे तो निकल रहे हैं, लेकिन हादसों का डर रहता है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। अब देखना होगा कि सरकार या प्रशासन आखिर कब इस रोड को लेकर सुध लेता है। खबर अभी तक के लिए परवेज खान, यमुनानगर।